ये रहा कामाख्या स्टेशन। ये रहा टिकट काउंटर। ये रहा मेन गेट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी फाइनल 3:10 फाइनली गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं बरौनी, जो कि कामाख्या से बरौनी तक का मेरा सफर रहा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, क्योंकि कामाख्या से बरौनी होते हुए दूसरी जगह तक जाएगी। तो बरौनी तक ही इसमें आना था और यहाँ से छोड़ कर ये अभी दूसरा गाड़ी पकड़ना है, और वो गाड़ी जो है अभी कोलकाता से आएगी, हावड़ा से गंगा सागर एक्सप्रेस। तो अभी टाइम हो रहा है 3:10 टाइम था, 2:30 का टाइम था, थोड़ा सा लेट हुआ है फिर भी ठीक, बहुत अच्छा। तो यहाँ तक का तो टिकट था मेरे पास, लेकिन यहाँ के बाद जो है टिकट है नहीं। तो अभी जा रहे हैं जनरल टिकट लेने, यहाँ से थोड़ा ही दूर है, और सामान इतना हो गया भाई, उठाते उठाते हालत ख़राब हो गया है, बहुत लगेज है, दिखला देंगे आपको नीचे में। अभी जा रहे थोड़े टिकट लाने, और बरौनी एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे ना आपको प्लेटफॉर्म नंबर समझ में आएगा, टिकट काउंटर कहाँ है वो समझ में नहीं आएगा, आदमी नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पे आदमी भी नहीं है स्टेशन पे। चलो खैर, जो है ठीक है, सफ़र में क्या देखना होगा। एक तो एसी का टिकट था, ठंडी इतना लग रहा था कि भोगे में मत पूछो, रात भर सोया नहीं, उतरना भी था। एक मतलब ऐसे हुआ था, उतरने के चक्कर में क्या हुआ, थोड़ा देर के लिए सोया, मोबाइल लेके कोई उठा के, इसलिए आज सोया नहीं, और जागते जागते जा रहे हैं, नींद भी बहुत आ रही है। तो चलिए आपको लगेज दिखलाएंगे। ये देखो प्लेटफॉर्म का ऊपर हिस्सा है, जिससे होकर के ऊपर ऊपर से जाता है वो हिस्सा देखो, आदमी कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। ये है कुछ रात का टाइम, देखो लगेज दिखा रहे थे ना, ये 2 बैग हैं, ये एक बड़ा बैग है, एक कार्टन है, और इसमें 2 खाने पीने का और छोटा छोटा सामान था। इतना वजन है भाई, हालत ख़राब हो जाता है ऊपर नीचे करने में। ये देखिए बरौनी रात में कुछ इस तरह दिखाई देगा। भाई साहब, ये है बरौनी जंक्शन, देखो कहीं कोई नज़र आ रहा है, एक आदमी निकला अंदर से, सबसे पीछे का ये भाग, और ये यहाँ का लास्ट प्लेटफॉर्म है, 9 नंबर। चलो ट्रेन आने का इंतज़ार करना तो पड़ेगा।
खा लो। दोनों बाप बेटा एकदम अति में भी है।